गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ. ओके, ये वो वर्ड्स हैं जो आप लोग यूजुअली घर में हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंड से बात करते हैं, या आप अपने आपके घर के आसपास जो आपके दोस्त हैं उनसे बात करते हो ना, उसी से रिलेटेड है. तो फर्स्ट हमारा क्या सेंटेंस आ रहा है, ठंड से लेके आज ठंड है. एक जो ठंड होती है जो बहुत नॉर्मल होती है कि हाँ आज ठंड है, तो बोलेंगे इट इज़ कोल्ड टूडे. इट इज़ COLD, कोल्ड टूडे. स्टूडेंट्स, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप अपने घर में अपने बड़ों, आपके बड़े भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपके भाई बहन हैं बड़े, आपके चाचा हैं बड़े, वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करना. ओके, तो आज ठंड है. इट इज़ कोल्ड, COLD, कोल्ड, TODAY, टूडे. आप अभी क्या है, रेनी रेन हो रही है ना, और इस वक्त क्या पड़ी, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, तो आज कड़ाके की ठंड है. तो इट इज़ फ्रीजिंग टूडे. फ्रीजिंग के संग कभी कोल्ड नहीं आएगा. फ्रीजिंग और जो है कोल्ड का ही एक वर्जन है. फ्रीजिंग का मतलब होता है एकदम फ्रीज, जैसे आइस होती ना, पानी से बर्फ़ जम जाती ना, फ्रीज हो जाती ना, पानी फ्रीज हो के बर्फ़ बन जाता ना जम के, तो वही हो गया. तो इट इज़ FREZING, फ्रीजिंग टूडे. ओके, माँ क्या कर रही हो, अधिकतर बोलते माँ क्या कर रही हो बोल देते ना, तो मम्मी या आप माँ या मम्मी जो भी आप वर्ड्स बोलते हो वही बोलिए. व्हाट आर यू डूइंग, मम्मी व्हाट आर यू डूइंग. अब जैसे यहाँ दादी भी हो गई, दादी से आप पूछते हो दादी क्या कर रही हो, तो दादी व्हाट आर यू डूइंग, पापा व्हाट आर यू डूइंग, भैया व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, ज़रूरी नहीं ब्रदर ही लगाना है. ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, दादी पूजा कर रही हैं. ठीक है, तो दादी पूजा कर रही हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि दादी क्या कर रही हैं, तो आप बोलोगे दादी पूजा कर रही हैं. अगर दादी पूजा कर रही होंगी तो आप दादी भी बोल सकते हो, ग्रैंड मदर भी बोल सकते हो. ठीक है, तो हम बोलेंगे दादी इज़ वर्शिपिंग. वर्शिप का मतलब होता है प्रार्थना करना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कि सिख हो ईसाई हो, जब हम भगवान से अल्लाह से जब प्रेयर करते हैं ना, उसको वर्शिप कहते हैं, और उसी से बनेगा वर्शिपिंग. वर्शिप होता है वर्शिपिंग, WORSHIPING, वर्शिपिंग. तो दादी इज़ वर्शिपिंग, दादी पूजा कर रही हैं या प्रार्थना कर रही हैं. कहाँ थे तुम, कभी कभी छोटे भाई बहन से आप बोलते हो ना, मिलते नहीं हैं, मम्मी बोलती है ढूंढ के लाओ कहाँ है, तो कहते हैं वेयर वर यू. अब गुस्से में उसको बोलोगे कहाँ थे तुम, वेयर वर यू. ठीक है, और अगर आप किसी बड़े से पूछोगे, जैसे पापा से पूछोगे, आप पापा को ढूंढने गए पापा नहीं मिले, तो आप पूछ सकते हो पापा से कहाँ थे आप. तुम की जगह हम क्या कर देंगे, आप, बट सेंटेंस सेम बनेगा वेयर वर यू, लेकिन वो थोड़ा सा पोलाइटली हो जाएगा. कहाँ थे आप, वेयर वर यू. पापा कहाँ थे आप, वही आ गया डैडी, या पापा वेयर वर यू. ठीक है, यहीं पे तो था मैं, पापा ऐसे इशारा हाथ से इशारा करके बोलता, अरे यहीं पे तो था मैं, या यहीं पे तो था, यहीं पे तो बैठा था, है ना. आई वॉज राइट हेयर, या अरे वहीं पर तो रह, जहाँ पे वो जैसे कहीं पेड़ के पास है जहाँ पे अपने दोस्तों संग दिखते हैं, तो वहीं पे तो था मैं, तो वहीं के क्या साथ क्या हो जाए, यहीं है तो हियर हो गया, वहीं होगा यहाँ पे वाह आ जाएगा तो देयर हो जाएगा. आई वॉज राइट देयर, मैं वहीं पे ही था. नेक्स्ट, सच सच बताओ, टेल द ट्रूथ. कभी कभी आपके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो कुछ चोरी करके ले गए आपसे, है ना, और उसके बाद जो है उन्होंने आपको पता चल गया, तो आप बोलते हो क्यों, सच सच बताओ मुझे वरना बहुत मारेंगे. तो सच सच बताओ, टेल द ट्रुथ, TRUTH. उठ जाओ. अब मम्मी जैसे सुबह बोले, दादी आपको सुबह बोले उठ जाओ, तो दादी को और सिखाना, मम्मी पापा को सिखाना, बोला नहीं, बोलो गेट अप राघव, गेट अप गीता. अगर आप बच्चे का नाम क्या है घर में, आपको कोई सोनू भी बोलता तो गेट अप सोनू. ठीक है, तो जो गेट अप के बाद आपको नेम लगाना, गेट अप पापा, गेट अप भैया, गेट अप चाचू, है ना. कपड़े पहन लो, पुट योर क्लोथ्स ऑन. कपड़े पहन लो, पुट योर क्लोथ्स ऑन. जल्दी से कपड़े पहन लो, पुट योर क्लोथ्स ऑन फास्टर. ठीक है, फास्ट आ जाएगा, मतलब जल्दी से, फास्ट. मैंने घड़ी नहीं पहनी हुई है, मैंने जूते नहीं पहने हुए हैं, मैंने
पैंट नहीं पहनी हुई है, मैंने टाई नहीं पहनी है, स्कूल में टाई लगाते हो ना, नहीं पहनी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आई एम नॉट वेयरिंग वॉच, वॉच के संग संग हमारे ऑब्जेक्ट्स चेंज हो गए, जैसे वॉच हो गया, शूज़ हो गया, ठीक है, पैंट हो गया, या आपने मान लीजिए स्पेक्स नहीं पहना है, या सनग्लास जो गॉगल पहनते ना धूप के स्टाइल दिखाने के लिए, वो नहीं पहने हैं, तो अरे मैंने तो अपना चश्मा ही नहीं पहना, बोलते हैं ना इसमें हम क्या बोले, एक सिंपल वर्ड में मैंने तो अपना चश्मा ही नहीं पहना, तो इस तरह से क्या कहेंगे, आई एम नॉट वेयरिंग WEARING वेयरिंग वॉच, शूज, सॉक्स, ठीक है। ये खुद ही कर लो, ये अपने आप ही कर लो, ऐसे बोलते ना, या अपने आप कर लो, ठीक है। तो डू इट योर सेल्फ, मम्मी बोलती ना कि मम्मी आप बोलते मम्मी से ये कर दो, या किसी से बोलते प्लीज़ ये कर दो, तो बोलते अपने आप कर लो, बोल देते ना अपने आप कर लो, है ना। तो डू इट योर सेल्फ, ये सेंटेंस आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी, ठीक है। करो जो करना है, बोलती नहीं कहीं कि मम्मा गुस्सा हो जाती है, या आप भी कभी गुस्सा हो जाते हैं अपने छोटे भाई बहन पे, तो क्या कहते हैं, भाड़ में जाओ, जो करना है करो, या करना है जो करो, ठीक है ना, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, ठीक है। हेल क्या होता है, नर्क होता है, तो भाड़ में जाओ मतलब नर्क में जाओ, तो गो टू हेल, और करो जो करना है, तो डू वॉट यू वॉन्ट, जो करना है करो, करो जो करना है, तुम्हें जो करना है करो, तो डू वॉट यू वॉन्ट, करो वॉट यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो, ठीक है। ये सेंटेंस यू नो दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इन सेंटेंस को लर्न करिए घर के डेली रूटीन में। यू नो दैट इन दिस टाइम इट्स फ्रीजी कोल्ड ना, तो इट इज़ फ्रीजी टूडे, फ्रीजिंग टूडे, एंड नॉर्मल ठंड होगी तो इट इज़ कोल्ड टूडे। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती तो बोलते इट इज़ मगी टूडे, मगी मतलब हो गया एकदम पसीने से बहने वाली गर्मी, ठीक है। हैव अ नाइस डे।